राइट, सो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, सम ऑन फील्ड सम ऑफ फील्ड. लेकिन यहाँ एसके पावर प्ले में एक चीज सर्टन है कि हम आपको बेस्ट मैच प्रीव्यूज देते हैं. हम आज बात करेंगे मुंबई वर्सेस हैदराबाद के मुकाबले की. मेरा नाम है प्रीति, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नमन ओझा, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट. नमन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसके पावर प्ले में. और इस मुकाबले के बारे में आप क्या कहेंगे, चैंपियन टीम वर्सेज अ टीम विच इज स्ट्रगलिंग? नमस्ते प्रीति, बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं. चैंपियन टीम, दोनों चैंपियन टीम है, लेकिन ये सिर्फ कॉम्बिनेशन क्लिक होने की बात है कि जो मुंबई का क्लिक होता हुआ दिख रहा है सेकेंड हाफ के अंदर, और वहीं हैदराबाद का भी सेकेंड हाफ में भी नहीं दिख रहा है क्लिक होता हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुंबई फोर्थ पोजिशन पे है और यहाँ पे वो दो पॉइंट लेके और टॉप टू के अंदर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि टॉप टू में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत फायदा रहता है आगे जब आप प्लेऑफ्स के अंदर आते हो. तो ये मुंबई यही चाहेगा कि मैं टॉप टू यहाँ पे मैच जीत के जो ऑलरेडी दबी हुई टीम है उसको पूरा दबा के. और अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ तो वो अपना कैंपेन, जो उनका जो कैंपेन, उनको रिवाइव करने की बहुत जरूरत है. अगर यहाँ से वो मैच जीतेंगे तो थोड़ा सा बिलीव आएगा उनको अपने अंदर की, क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस, अगर ये मैच भी अगर वो हारते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाएगा. हालांकि काफी नीचे ही है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो लास्ट गेम भी मैंने देखा, उसके पहले भी मैंने देखा, तो मेरे को कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, बैटिंग के अंदर नहीं दिखा, बॉलिंग के अंदर नहीं दिखा, साथ में क्लिक होता हुआ नहीं दिखा. तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं रीग्रुप होने की जरूरत है वहां पे सनराइज हैदराबाद टीम को. बिल्कुल, जहां एक तरफ मुंबई अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी, वहीं आपने कहा कि हैदराबाद को कैंपेन रिवाइव करना होगा. लेकिन ये करा कैसे जाए, क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं आप इस टीम में? हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर डेविड वार्नर को वापस लाना चाहूंगा. आपने उनको कैप्टनसी से किया, वो वहां तक ठीक था, मगर टीम से ड्रॉप करना मुझे समझ में नहीं आया. क्योंकि फर्स्ट वो क्योंकि कैप्टन के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है टीम का, टीम को संभालने का, और जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 3-4 साल में हैदराबाद टीम को संभाला है वो तारीफ काबिल है, वो क्रेडिटेबल है, उनको क्रेडिट पूरा पूरा जाता है. उन्होंने 2016 में आईपीएल हैदराबाद टीम को जिताया भी था सिंगल हैंडेडली. तो मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने उसको कैप्टनसी से सैक किया, ठीक है, क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उसको वापस लाने की जरूरत है. अब अगर हम इन दोनों टीम से एक एक एक्स फैक्टर प्लेयर चूज करें तो वो कौन होगा, और मुंबई का एक्स फैक्टर प्लेयर क्या मैं गेस करूँ आपकी तरफ से कौन हो सकता है? बिल्कुल, आप करिए गेस. कायरन पोलार्ड. नहीं, मैं टॉप ऑर्डर के ऊपर जाना चाहूंगा. रोहित शर्मा होंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, और अगर वो यहाँ पे बड़ा स्कोर बनाते हैं तो मुंबई के लिए, मुंबई मतलब टॉप ऑर्डर अगर आपका क्लिक होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी टीम को फाउंडेशन इतना बढ़िया मिलता है कि वहां से आपके, क्योंकि उनके पास नीचे इतने बढ़िया ताबड़तोड़ बैट्समैन है कि अगर उन्होंने फाउंडेशन दे दिया 70, 80 या 100 रन की कोई एक अच्छी इनिंग खेली तो वहां से जीतना नामुमकिन नहीं होगा. और वहीं हैदराबाद के अंदर अगर मैं अगर देखूंगा तो मुझे लगता है कि जॉनी बेरिस्टो को मैं एक्स फैक्टर मानता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे उन्होंने अगर एक 50 रन की या 40 रन की 50-40-50 और एक बड़ी अगर इनिंग खेलते हैं तो वो अपनी, हाँ, तो उनकी तो क्या होगा कि उनकी टीम को एक अच्छा फाउंडेशन मिलेगा, वहां से वो उसको कैश ऑन कर सकते हैं. क्योंकि ये विकेट पे और ये ग्राउंड के अंदर टॉप ऑर्डर का क्लिक होना बहुत बहुत जरूरी है. ऑलराइट, नमन, फाइनली मैच प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं और ये बताइए कि आपका दिल और दिमाग कौन सी टीम के साथ है? दिल और दिमाग दोनों थोड़ा सा टफ है बोलना, लेकिन जिस हिसाब से अभी अगर देखेंगे तो मैं आई थिंक मुंबई के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट है और जिस हिसाब से अभी खेल रहे हैं तो मैं यहाँ पे मुंबई को. राइट, तो हमारे एक्सपर्ट रूट कर रहे हैं मुंबई के लिए, देखते हैं कि क्या होता है इस मैच का परिणाम. लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नमन हमारे साथ एसके पापले में जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं. नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें जरूर देते रहिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एसके पापले.